सिर्फ 500 किलोमीटर की दूर पर चक्रवात फनी है। उड़ीसा के 8 लाख लोगों को विस्थापित सेना पर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा समुद्री चक्रवात फनी अब भारतीय समुद्र तट से 540 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र सतह से यह तूफान अत्यंत भीषण चक्रवाती रूप में बदल चुका है और तेजी से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा समुद्री चक्रवात फनी अब भारतीय समुद्री तट से 540 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्री सतह पर यह तूफान अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और यह तेजी से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह तूफान पिछले 6 से 7 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह तूफान 3 मई को ओडिशा भागलपुर चंदबली के समुद्र तट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने की संभावना है। नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और गुरुवार ने कहा है कि हवाई अड्डे पर प्राधिकारियों को सावधान रहने के लिए कहा जाए ताकि यह चक्रवात फोनी से निपटने के लिए तैयार रहें। चक्रवात से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के 9 जिले प्रभावित हो सकते हैं। तूफान से तबाही आकांक्षाओं के तबाही के बीच उड़ीसा के 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। वही हिदायत रूप से रेलवे को बुधवार को तटीय क्षेत्रों से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है और इस तरह 103 ट्रेनों को कैंसिल हो चुकी है। उड़ीसा में फनी तूफान की चेतावनी से आज आधी रात तक 24 घंटे तक फ्लाइट नहीं उड़ेगी। भुवनेश्वर के रेड क्रॉस भवन में राहत सामग्री पैकेट वितरण की तैयारी चल रही है। फोनी तूफान के बाद तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कोस्ट गार्ड NSR की शासन प्रदान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 25 अप्रैल को हमारे शिप और एयरक्राफ्ट लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे और इसी समय मछुआरों और मौसम की चेतावनी भेज रहे हैं। परमेश IG कोस्ट गार्ड ईस्ट ओडिशा के पूरी तटीय क्षेत्रों में समुद्र में न जाने के लिए चेतावनी दी जा रही है। कल पूरी में भूस्खलन होने की संभावना है। चक्रवात की चेतावनी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तटीय क्षेत्र पर मौजूदगी हवाई अड्डों को हिदायत कदम उठाने को कहा गया है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे जानकारी देते हुए यह बताया है कि आज पूरी के हावड़ा से लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएंगी। ये ट्रेनें 3 बजे से 6 बजे तक रवाना होंगी। इसके स्टॉपेज खुदरा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजापुर, केंदुझूर रोड, भद्रक, बालासोर और खड़गपुर होंगे। HRF विश्वास डायरेक्टर मौसम विभाग भुवनेश्वर ने कहा है कि आज ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में और इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। शुक्रवार को सभी 11 तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा में 10,000 गाँव तबाह हो चुके हैं और 14 शहर भी तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, लोगों को मदद करने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। उन्हें मदद की ज़रूरत है और उनके परिवारों तक भी पहुंचाइए जो उड़ीसा में निवास कर रहे हैं। उन्हें यह न्यूज़ पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो पर बने रहिए।